नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर अजीत यादव टीवी मैथ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको वर्क एंड टाइम का जो प्रश्न होता है, आपको हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको कैसे हल किया जाता है। वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर फर्स्ट देखने के बाद दोस्तों, हमारा पार्ट नंबर सेकंड आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट नंबर जो सेकंड है पेपर बनाऊंगा इसके बाद, इस वीडियो के बाद, तो उसमें पार्ट नंबर फर्स्ट का ही प्रश्न उसमें अलग ढंग का ही आपको मिलेगा। तो वर्क एंड टाइम से जो प्रश्न आपको बनता है, इस प्रकार से आपको हम आपको बताऊंगा किस प्रकार से उसको हल किया जाता है, एकदम ट्रिकी। तो जैसे जैसे आपको हम बताएंगे दोस्तों, आपको वीडियो को देखना चलते हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे आपको वर्क एंड टाइम का जो प्रश्न बनता है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर आ जाए, एक किसी काम को 10 दिनों में करता है अकेले, और बी उसी काम को अकेले 15 दिनों में करता है। ए और बी को मिलकर कार्य करने को कह दिया जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो सकता है? ए किसी का नाम भी हो सकता है, बी किसी का नाम हो सकता है। ए कोई टंकी अकेले एक नल भी हो सकती है, बी एक अकेले नल हो सकती है। मतलब कि कार्य तो कार्य होता है, चाहे जिसके द्वारा कार्य किया जाए, कार्य चाहे जिसके द्वारा किया जाए, कार्य कार्य होता है। तो इस प्रकार से आपको अगर दोनों को एक साथ करना हो, जैसे ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर अगर कार्य करें, तो इस प्रकार का प्रश्न मिलता है। तो आप ट्रिकी एकदम हल करिए इसको, 10 गुणे 15, मतलब कि दोनों संख्याओं का अंश में गुणा कर दीजिए और हर में उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। इसको हल करते हैं अगर, तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर 25। अब इसको काटिए, 2 से काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और ये 3 गुना 6 हो जाएगा। अगर दोनों इस कार्य को मिलकर करें, दो व्यक्ति, तो ये आपका 6 दिनों में समाप्त हो सकता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिले तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी नल उसी टंकी को अकेले 15 घंटे में भर सकता है, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर सकती है या कितने दिन में भर सकती है। दिन रहे तो दिन आएगा, घंटा रहेगा घंटा आएगा, मिनट रहेगा मिनट आएगा। तो इस प्रकार से आपको मिले तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं, अगर 3 लोग रहे, 3 व्यक्ति का प्रश्न आपको मिले, तो उसको कैसे हल करते हैं। ये 2 व्यक्तियों का रहा आपका, जैसे आपको हम दे देते हैं, यहाँ से प्रश्न दे दिया जाए, ए किसी कार्य को अकेले 40 दिनों में करता है और बी उसी काम को अकेले 30 दिनों में करता है और सी उसी काम को अकेले 24 दिनों में करता है। यदि तीनों को मिलकर एक साथ कर दिया जाए कार्य करने, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? दोस्तों बार बार कह रहे हैं, कार्य किसके भी चाहे जिसके भी द्वारा हो, आपको वही चीज लागू होगा, यहीं पर फॉलो अप किया जाएगा। देखिए, अगर तीनों को मिलकर, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे, तो कितने दिनों में समाप्त होगा? आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का अंश में गुणा कर दीजिए, 40 गुणे 30 गुणे 24। इतना करने के बाद आप हर में, यानी कि बटे में, इस संख्याओं को एक साथ गुणा कर दीजिए एक बार, यानी कि 40 गुणे 30 प्लस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 30 गुणे 24 प्लस अब इसका इसमें 40 में, 24 गुणे 40। मतलब ये क्रम विनिमय नियम के अनुसार तरीके से ये एक दूसरे में गुणा होता चला जाएगा। इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपका 40 30 गुणे 24। अब इन सबका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, 1200। इसका गुणा यहाँ करते हैं तो आप प्लस लगा करके, 4 3 12, 3 2 6 1 7 720। इसका यहाँ पर गुणा करते हैं तो 1 2 आपका 0 हो जाएगा, 4 4 16, 4 2 8 और 1 9 960 हो जाएगा। एक स्टेप और हम आगे बढ़ा देते हैं, 40 गुणे 30 गुड़े आपका 24। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 0 0 0, ये 0 हो गया आपका, और ये 6 2 8 हो गया, यहाँ 8, फिर आपका 9 7 आपका हो जाएगा 16, 16 और आपका 2 18, वो 8 हासिल 1 और 1 ये 1 हासिल, यानी कि 2880 हो जाएगा।
अब देख रहे हैं ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब चार से इसको काटेंगे, सात चौक 28, चार दूना 8 हो गया, ये 72 आया। फिर आप देख रहे हैं 24 तीन आपका 72 होता है, इससे कट गया, ये आपका 3 से ये कट गया, तो आ गया कितना आपको 10 रुपये। वो काटना है, बहुत कुछ करना नहीं है। तो तीनों जब मिलकर कार्य करते हैं तो ये कार्य 10 दिनों में समाप्त हो सकता है दोस्तों। तीन नल भी हो सकता है कि एक नल एक टंकी को 40 घंटे में भरती है, बी नल उसी टंकी को अकेले 30 घंटे में भरती है, सी नल उसी टंकी को अकेले 24 घंटे में भरती है। तो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर सकती है, वही चीज़ वहाँ पर भी आप लागू करेंगे। तो ये रहा आपका इस प्रकार से। आगे एक प्रश्न हम और लेते हैं, इसमें वर्क ऑन टाइम से जो हर एक प्रकार का प्रश्न हमको पूछा जाता है एग्जाम में, इस प्रकार से लेते हैं। जैसे दोस्तों दो व्यक्ति अभी तक तो एक एक अलग अलग कर रहे थे, अगर दो व्यक्ति एक साथ कार्य करें तो कैसे क्या होता है। जैसे कह दिया जाए ए और बी, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। ये आपका ए और बी जब काम को करते हैं मिल करके तो कार्य आपका 12 दिनों में समाप्त होता है। और जब उसी काम को बी और सी जब मिलकर करते हैं तो वो कार्य आपका 15 दिनों में समाप्त होता है, और सी और ए जब मिलकर उसी काम को करते हैं तो वो कार्य आपका 20 दिनों में समाप्त होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर दो दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं, दिन लिख दे रहे हैं। ये ए और बी जब मिलकर करते हैं तो 12 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं तो 15 दिन में, सी और ए मिलकर करते हैं तो 20 दिनों में। अगर तीनों को जोड़कर एक साथ कर रहा कार्य करने को कर दिया, तीनों को एक साथ कर दिया जाए कार्य करने, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, इस प्रकार से प्रश्न मिले तो आप क्या करते हैं, ई बी प्लस सी इन तीनों को एक साथ कार्य करना है। तो ये अब देख रहे हैं दो दो व्यक्ति एक साथ कर रहे हैं तो आप पहले 2 लगा लीजिए, 2 लगाने के बाद सभी संख्या 12 गुणे 15 गुणे 20, ये संख्या कर ये चीज करने के बाद बटे में आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, यानी कि 12 गुणे 15, 15 गुणे 20 प्लस लगाकर 20 गुणे 12। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए तो 2 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 20। अब आप इसका गुणा करते हैं अगर, ये 15 दूना 30 हो जाएगा आपका, और 15 है कहीं 15 3 18 यानी कि 180, बड़ा लिख दे रहे हैं 180। इसको करते हैं तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये आपका पूरा 300, और इसको करते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा 240। एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं इसको, 2 गुणी 12 गुणी 15 गुणी 20, अब इसको जोड़ देते हैं, ये देखिए 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 4 और 8 4 12 हो जाएगा, हासिल आपका 1 3 5 1 6 1 7, यानी कि 720। अब इसको आप काट देते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, समझ रहे हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको 2 से काटते हैं तो ये आपका 36 हो जाएगा, इसको 2 से काटते हैं तो ये आपका 18 हो जाएगा, और आप देख रहे हैं अब 6 से काट दीजिए, 6 से इसको काटेंगे 6 2 12, 6 3 18, 3 बचा है 3 को 15 से काट दीजिए, ये पूरी तरीके से कट गया। अंश में आपका 5 बचा है, 2 बचा है, और नीचे आपका हर में कुछ नहीं बचा है, तो 5 दूना ये आपका 10 दिन। अगर उन तीनों व्यक्तियों को मिलकर यानी कि ए बी सी को तीनों को मिलकर उस कार्य को करना हो तो वह कार्य 10 दिनों में दोस्तों समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको देखिए तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, किसी एक का अगर इसमें पूछ दिया कि एक व्यक्ति का यानी कि ए या बी का किसी के एक का पूछे तो आप कह रहे हैं देख रहे हैं तीनों 10 दिन में कर रहे हैं, अगर ए का पूछ रहा है तो देखिए बी और सी इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं मिल करके, 15 दिन में कर रहे हैं, और तीनों कितने दिन में कर रहे हैं आपको 10 दिन में कर रहे हैं। तो ये वाला जो है कितने दिन, ये वाला कितने दिनों में करेगा तो उसमें से आप घटा देंगे, जब उसमें से घटा देंगे तो वाली संख्या निकल जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वर्क एंड टाइम से जो प्रश्न मिलता है ये वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर फर्स्ट रहा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया है वर्क एंड टाइम का तो आप फर्स्ट नंबर का जो हमारा पार्ट बनाया है वर्क एंड टाइम को इसको भी देख लीजिए, और इसके नीचे आप तुरंत इसको जा करके आप जरूर से जरूर वर्क एंड टाइम का सेकंड पार्ट देखिएगा कि
क्योंकि वर्क एंड टाइम को अगर पूरा कंप्लीट करना है तो पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए, पार्ट नंबर सेकंड भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।